अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है कोमल सुहेल और मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक ऐसे घराने में कि जहाँ पर यकीन जाने आके मेरी रूह कांप गई। आजकल आप लोगों ने सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई भी देखी होगी जिसमें बहुत ही बेदर्दी के साथ, मतलब इंसानियत को ऐसा लग रहा है कि जैसे कत्ल कर दिया गया हो, इतनी बेदर्दी, इतनी जुल्मो इंतहा की गई है उस वीडियो के अंदर कि उसमें एक अदील नामी लड़के को बेदर्दी के साथ कीलों से, बेल्टों से मारा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि देखो ये बेल्ट, दूसरा बेल्ट कहाँ है, बक्कल दिखाओ, कोल्ड ड्रिंक चल रही है, फ्राइज पड़े हुए, एक बक्कल दिखाया जा रहा है, एक बेल्ट दिखाया जा रहा है, एक ये दिखाया जा रहा है। यार इंसान है वो, इंसान जानवर नहीं है। वीडियो देख के मेरी अपनी रूह कांप गई, जिस फैमिली के ऊपर, जिस घर के बेटे के ऊपर ये बीती, उस बेटे का क्या हाल हुआ होगा, उस माँ का क्या हाल हुआ होगा जब उसको पता चला कि जिस औलाद को मैंने 9 महीने अपनी कोख में रखा है, दुखों तकलीफों से पाला है, उसको इतनी बेदर्द मौत दी गई, क्या गुजरी होगी उस माँ के ऊपर। हम और आप सिर्फ बातें कर सकते हैं, वो दर्द नहीं महसूस कर सकते। हमारी औलाद जरा सा गिर जाएगी ना तो फौरन से हमारे मुंह से निकलता है बिस्मिल्ला। बेटा ध्यान से, उस माँ के जिगर के टुकड़े को बेदर्दी से मारा गया। उस, अगर आप लोगों ने वीडियो देखी है तो उस जो वो जो लकड़ी का टुकड़ा था उसके अंदर बकायदा कीले लगी हुई थी, बेल्ट के बेल्ट तोड़े गए हैं उस शख्स के ऊपर जो कि अपने 3 बहनों का एक इकलौता भाई था। इनके घर की हालत आप मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं, क्या कंडीशन है, किस तरह की खस्ता हालत है। वीडियो में बार बार एक ही बात कही की जा रही है, 15 लाख रुपए दो, कब देगा मेरा पैसा। अगर उस शख्स ने, अदील ने 15 लाख लिए भी थे तो आपको क्या लगता है इस घर की कंडीशन देख के कि कोई शख्स अदील को 15 लाख दे सकता है। मैं, मुझसे अगर अदील मांगते हैं कि जो है ना मुझे 15,000 रुपये दे दो, मैं कंडीशन देख के मैं मना कर देती, मुझे पता है रिटर्न नहीं मिलेंगे। ये फैक्ट है, हमें बनना नहीं चाहिए कि नहीं मैं तो दे देती इंसानियत। क्यों? क्योंकि इंसानियत हमारी तब जागती है जब इंसान मर जाता है। इंसान भूखा बैठा होगा तब हमारी इंसानियत जो है ना साइट में हो जाती है। जब मौत आ जाती है, जब मर जाता है तो उस वक्त सब 4 कंधे भी देने आ जाते हैं, कड़वी रोटी भी देने आ जाते हैं, तमाम लोग आ जाते हैं। खैर जितनी मैं बात करूंगी उतनी कम है, मैं आप लोगों को उनके वर्सा से मिलवाना चाहूंगी। नहीं उनकी माँ की ये कंडीशन कि उनकी वालदा साहिबा मुझसे बात कर सकें। मेरे साथ मौजूद है उनकी बहन, मैं उनसे बात करना चाहूंगी, आप लोगों की जरूर बात करवाऊंगी। क्या मामला थे, किस तरह से ये मामला दरपेश आए। वालेकुम अस्सलाम। अदील आपके भाई थे जी? अच्छा, कितनी बहनें हैं आप? हम 3 बहनें। अच्छा जी, और कितने भाई हैं? इकलौता भाई था हमारा दी। इकलौता भाई था जी। तो मतलब क्या ऐसा हुआ कि इतनी बड़ी बात हो गई कि उनको मारा गया, पीटा गया, सोशल मीडिया पे उनकी वीडियो वायरल हो गई। कितने पैसे लिए थे, किस तरह से पैसे लिए थे? कोई पैसे नहीं लिए थे अदील ने, कुछ भी नहीं लिया था। अच्छा, ना अदील उन बंदों को जानता था, ना हम लोग उन बंदों को जानते थे, किसी किस्म का उनसे कुछ भी नहीं लिया था। तो बहन मेरी बगैर जान पहचान के कैसे बंदा उठा के लेके जा सकता है? उनको घर में कब्जा करना था, 2 साल पहले का केस था जिसकी वजह से उसे उठाया था इन्होंने, ये कह के कि तुमने 2 साल पहले जो सामान रख के बेचा था वो सामान हमारा था, लेकिन वो सामान इनका नहीं था, वो किसी तीसरे बंदे का सामान था जो चोरी का सामान रखवाया था यहाँ पे। वो 2 साल पहले ही उसका केस खत्म हो गया था, उस ना बंदे ने FIR कटवाई, ना उसने कुछ कटवाया, कुछ भी नहीं था, उसने माफ कर दिया था 2 साल पहले ही इसको। ये कोई तीसरे बंदे थे जो बीच में आए हैं
ये मुतालबा करके कि ये सामान हमारा था जिन्होंने इसे मारा है। यानी कि आपका कहने का मकसद ये है कि जिनका सामान था, जिन्होंने घर पर सामान रखवाया था, वो सामान यहाँ पे रखवाया गया, अदील को नहीं पता था कि ये चोरी का है, बाद में पता चला चोरी का है, उन्होंने घर का रेंट वगैरह नहीं दिया, तो अदील और अदील के फ्रेंड्स ने मिलके उस सामान को सेल आउट कर दिया। अच्छा जी, 2 साल पहले जिस बंदे का सामान था उसने माफ कर दिया, ठीक है, बाद में कोई थर्ड पर्सन आके कहता है कि मुझे तो पैसों की जरूरत है, और कितने पैसे वो कह रहे हैं कि कितने देने? 15 लाख देने हैं। पहले 15 लाख का बोला, फिर उन्होंने 21 लाख का बोला। अच्छा ये बताइएगा जरा कि सामान क्या था? कोई तराजू थे, पुराने तराजू। 15 लाख के तराजू, सेंसिबल बात है ये? मतलब 15 लाख के तराजू, यार कौन से ऐसे तराजू हैं? क्या हीरे जवाहरात लगे हुए थे उन तराजू पे? मुझे तो इस तरह, मुझे तो बहुत ज्यादा सोच सोच के गुस्सा आ रहा है। मतलब इस तरह की बात करते हुए भी कोई सेंसिबल बात की जाए तो समझ में भी आए, 15 लाख के तराजू। खैर बहरहाल उसके बाद क्या हुआ? थर्ड पर्सन बीच में इन्वॉल्व हुआ, उसने कहा मुझे पैसा चाहिए, उसे घर पे कब्जा करना था। जी वो बार बार यही बोल रहा था, 15 लाख दे दो, 21 लाख दे दो, या घर की फाइल दे दो। अच्छा जिस दिन आपके भाई को किडनैप किया गया या लेके गए हैं वो, उस दिन आप घर पर थी? नहीं मैं अलग घर में रहती हूँ, मेरी बहन थी यहाँ पे। अच्छा, बड़ी बहन, बहन मौजूद जी। अच्छा जी आप मौजूद थे, तो उस दिन क्या हुआ था? आप घर पर मौजूद थी जब आपके भाई को किडनैप करके लेके गए थे? नहीं उसे बाहर से ही लेके गए थे। अच्छा बाहर से लेके गए थे। अच्छा फिर तो उसे मारते हुए ही लेकर आए थे, उसे इतना बुरा मार रहे थे, कह रहे थे मुझे पैसे दें या जो है वो फाइल दे दें घर की, इससे ये कह रहे है मेरे नाम पर घर है तो आप मुझे कर कर आपसे पैसे मांग रहे थे। जी पैसों का कह रहे थे कि ये पैसे देगा तो कैसे देगा आप बताएं, तो मैंने कहा ये तो हमें नहीं मालूम, और वो खुद ये कह रहा था मैं 10 या 12 हजार रुपए महीने में दे दिया करूंगा आपको। अच्छा पैसे अदील ने देने थे? उसने कोई के सामान जी थे? बस वही पैसे थे जो तराजू के, लेकिन ऐसा कुछ भी सीन नहीं था, वो तो किसी और के पैसे थे जो माफ कर दिए थे उन लोगों ने, ये तो इनका कोई भी नहीं था बीच में बोलने का। अच्छा वो आपके पास लेकर आए आपके भाई को जी, कि आप मतलब पैसे दे रही हैं या ये पैसे दे रही हैं? जी ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो तो बोल रहा था लेकिन मैंने मना करा, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से दूंगी, ना घर की फाइल थी जो करते हम, तो उसके बाद वो उसे यहाँ से मारते हुए लेकर गए। आपके सामने मारते हुए? जी मेरे सामने मारते हुए लेकर गए। मैंने उनका आगे हाथ जोड़ जोड़ के इस तरीके से कर करके बोला कि आप जो है वो उसको छोड़ दें, इस तरीके से मत मारें, मगर फिर भी वो मारते रहे। यानी कि एक बहन उसकी बेबसी देखी आप कि उन दरिंदों के सामने हाथ जोड़ती रही, गिड़गिड़ाती रही, रोती रही, सिसकती रही कि मेरे भाई को छोड़ दें। ठीक है आप लोगों को अगर पैसे चाहिए तब भी हम दे देंगे कुछ कुछ करके, लेकिन आप उनको छोड़ दें, लेकिन वो फिर भी इनके सामने इनके भाई को मारते हुए घसीटते हुए ले गए। अच्छा उनके नाम पता है आपको? जी 2 लोगों के नाम मालूम है, एक का नाम अम्मार और एक का नाम अली नवाज मेमन। अच्छा अली नवाज मेमन। अच्छा अभी क्या इत्तलात आई है कि उनको अरेस्ट कर लिया गया है? जी अरेस्ट कर लिया उन लोगों को। क्या चाहते हैं वो आप गवर्नमेंट से, मतलब क्या चाहते हैं कि आप लोगों के साथ क्या किया जाए? बस इंसाफ दिलवाया जाए, इतनी बेदर्दी से नहीं मारना चाहिए था, कुछ भी था कुछ भी करा था उसने, उसके साथ इस तरीके से नहीं करना चाहिए था इनको, उसको FIR कटवा देते, कुछ भी करते, लेकिन इतनी बेदर्दी से नहीं मारते, बहुत बेदर्दी से मारा है इन लोगों ने, अल्लाह ताला इन लोगों से इसका हिसाब जरूर लेगा। रो मत, अल्लाह पाक आपको सब्र अता फरमाए। मैं जानती हूँ कि आपके भाई वापस नहीं आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप अल्लाह पाक आपको सब्र अता करे। देख लें ये वो बहन है जिसके भाई को उसकी आंखों के सामने दरिंदों की तरह मारते हुए लेके गए, और ऊपर से वीडियो वायरल करके कहते हैं कि देख कहाँ है दूसरा बेल्ट लेके आ, बक्कल कहाँ है, इंसानियत कहाँ गई। मैं आप लोगों से सबसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आवाज उठाइए अदील के लिए, आवाज उठाइए, क्योंकि हजरत सालेह अलैहि सलाम की उटनी को कत्ल करने वाले सिर्फ 4 लोग थे, लेकिन गर्क पूरी कौम हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि बाकियों का कसूर सिर्फ ये था खामोश रहना। उठ जाओ, जाग जाओ, कल को किसी और बहन का भाई अदील
इसी तरह तशद्दुद से मारा ना जाए, कल को किसी और माँ का बेटा आदिल इसी तरह तशद्दुद से ना मारा जाए। मैं यही अपील करना चाहूँगी अपनी गवर्नमेंट से कि इस बहन को, इस माँ को ज़रूर इंसाफ दिया जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि अदील को जल्द अज जल्द इंसाफ मिल सके। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।